हेलो एवरीवन, ये वीडियो WBH के एक फेमस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम से रिलेटेड है। विलियम बटलर ईस्ट एक फेमस आयरिश पोएट थे 20th सेंचुरी के, और उनका ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम एक रिमार्केबल पोएम है जो कि लेट एडल्टहुड से रिलेटेड है। इस पोएम को 1927 में लिखा गया। लेट एडल्टहुड एक एज है जब मोस्ट ऑफ द पीपल अपने जो जॉब है जो भी वो करते हैं उससे वो रिटायरमेंट लेते हैं। समय का जो एज होता है उसको लेट एडल्टहुड एज कहते हैं। सो द पोएट ट्राइज टू रिमाइंड अबाउट द लेट एडल्टहुड वेयर इन द एज आर जनरली फाउंड अलोन एंड दे आर इग्नोर्ड डिसरेस्पेक्टेड एंड अबैंडन्ड ऑन दिस सिचुएशन। उस समय का जो एज है खास करके लेट एडल्टहुड जब लोग अपने जॉब से रिटायर होते हैं तो उस समय वो लोग खुद को पाते हैं बहुत ज़्यादा अकेला, इवन तक कि सोसाइटी में खुद को इग्नोर्ड डिसरेस्पेक्टेड और अबैंडन्ड पाते हैं। The poet has presented suffering of the aged man in this poem in a realistic way. और इस poem में आप देखेंगे कि किस type से poet जो late adulthood person है उनका जो grief है suffering है उसको कितना realistic manner से दिखाते हैं। आप यहाँ कुछ famous line देख सकते हैं जो इस poem में आए हैं। Like that is no country for old men, the young in one another's arms, birds in trees, an aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick. नेक्स्ट जो फेमस लाइन आप देखेंगे वो ये है कि ओ साइज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल कम फ्रॉम द होली फायर बर्न इन जायर कंज्यूम माय हर्ट्स अवे सिक विद डिजायर। सो इन फेमस लाइन को आप अपने लॉन्ग आंसर में एज ए कोटेशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो इस पोएम के हम लोग कंस्ट्रक्शन और इसके थीम को देख लेते हैं। इस पोएम में टोटल 4 स्टेंजा है और वो ऑक्टेव में उनको लिखा गया है। द टाइटल ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम इंडिकेट्स द पोएट्स जर्नी टुवर्ड्स बाइजेंटियम। और इस पोएम का जो टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम वो दिखाता है कि पोएट एक जर्नी कर रहे हैं बाइजेंटियम के लिए। बाइजेंटियम जो कि एक होली प्लेस माना जाता है क्रिश्चियनिटी में, और जो बाइजेंटियम एम्पायर था वो क्रिश्चियनिटी को अपने ऑफिशियल रिलीजन के लिए उसको एज ए अपना अपने स्टेट का ऑफिशियल रिलीजन बनाया घोषित किया। एंड कॉन्स्टेंटाइन वाज द फर्स्ट रोमन एम्पायर हु बिकेम अ क्रिश्चियन। और वो जो बाइजेंटियम एम्पायर थे उसके जो रूलर थे वो कॉन्स्टेंटाइन थे, और वो फर्स्ट रोमन एम्पायर थे जो कि क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। So is selling to Byzantium is also about the regenerating of art and culture that existed in Byzantium. साथ ही साथ ये poem जो Byzantium का old art और culture था उसको फिर से regenerate करने का इसमें कोशिश किया गया है। Poets उसके बारे में बात करते हैं। The first stanza of the poem begins with the line that is no country for old men. इसी line से poem का beginning होता है। So according to the poet there is no place for old men, and he compares the age to the young wherein he finds the young are in one another's arms and enjoying at their songs and they have no concern for old and calls the youth generation as dying generation. In the first paragraph mein hi aapko samajh mein aa jayega wo kis type se jo grief hai late adulthood ka usko dikhate hain aur batate hain ki jo old men hai unke liye is country mein is state mein koi jagah nahi, society mein koi jagah nahi hai, और जो यंग पीपल है वो किस टाइप से जो ओल्ड लोग के पर्सन है ओल्ड एज के लोग हैं उनको किस टाइप से इग्नोर करते हैं। जो भी यंग जनरेशन है जो भी यूथ है वो बस अपने ही जो सॉन्ग है उसमें इंजॉय करते हैं और उनके थोड़ा सा भी कंसर्न नहीं है जो ओल्ड लोग हैं। तो साथ ही साथ आप पाएंगे कि किस टाइप से जो कंटेम्प्रेरी जनरेशन है जो यूथ जनरेशन है उसको वो डाइंग जनरेशन कहते हैं। Further he talks about salmon, mackerel which are found in sea. In the next line a beautiful example of alliteration can be seen in this poem like fish, flesh or fowl. So the ye jo tino word aaya hai har ek word as a symbol ke roop mein aaya hai, like fish for the creatures in water, waise creature jo water mein rehte hain, flesh for the creatures on land and fowl stand for the flying creatures in the air jo like birds etc. So according to the speaker whatever is producing, reproducing and born at last it die. Further poet कहते हैं कि चाहे कोई भी creatures हो कहीं भी रहता है जिसका born होता है जो produce किया जाता है या reproduce होता है वो सब को अंत में
वो सब मरते ही हैं। सो देयरफॉर द यंग जनरेशन हु आर इन्वॉल्व इन द सिंसुल म्यूजिक और नेकलेस द मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट शुड रिमेम्बर दिस। सो पोएट कोशिश करते हैं यूथ को समझाने का कि भले वो जो अभी इंजॉय करे अपने सेंसुअल म्यूजिक या जो जो वो नेगलेक्ट कर रहे हैं मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट जो ओल्ड मैन को वो निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी ये याद रखना चाहिए कि कोई चीज यहाँ परमानेंट नहीं है। द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएम बिगिन्स विद द लाइन एन एज मैन बट अ पाल्ट्री थिंग। फिर से वो अगेन उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं किस टाइप से उनको देखा जाता है जो एज पीपल है। द स्पीकर हैज प्रेजेंटेड द अबंडेंट कंडीशन ऑफ द ओल्ड इन आवर सोसाइटी और ही सेज दैट एन ओल्ड मैन इज लाइक अ पाल्ट्री थिंग। बस कुछ नहीं है, बेकार चीज है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो एक पाल्ट्री थिंग की तरह होते हैं, तुच्छ चीज की तरह होते हैं इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड। इट इज लाइक ए स्केयर क्रो अंटिल डेथ। द स्पीकर सेज दैट ओनली द सोल इज परमानेंट एंड आवर बॉडी इज जस्ट ए मोर्टल ड्रेस। इसके माध्यम से वो कहना ये चाहते हैं कि जैसे हम अपने पुराने जो क्लॉथ है उसको हटा करके नए क्लॉथ लेते हैं, कपड़े नए पहनते हैं, उसी टाइप से जो हमारा बॉडी है वो एक मोर्टल ड्रेस है, मरणशील है। हाँ, सो थ्रोइंग आवर ओल्ड क्लॉथ्स एंड वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स इज एज सिमिलर एज द सोल गिव्स अवे अ बॉडी एंड एंटर्स इनटू अ न्यू वन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने पुराने कपड़े को हटा करके नया लेते हैं, उसी टाइप से हमारा जो सोल क्या है कि जो मोर्टल ड्रेस है यानी जो बॉडी है उसको छोड़ देता है और एक नए बॉडी में इंटर कर जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट ओल्ड आर वैल्यूएबल एंड दे आर मोनूमेंट्स ऑफ मोनूमेंट्स हु शुड बी स्टडीड बिकॉज इट हैज इट्स ओन मैग्निफिसेंस। फर्दर पोएट कहते हैं कि जो ओल्ड पीपल है वो वैल्यूएबल है, यूथ को उनका जो वैल्यू उसको समझना चाहिए और वो लोग एक मोनूमेंट्स की तरह है, जो ओल्ड है वो मोनूमेंट्स की तरह है, उनको स्टडी करना चाहिए। दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग लाइक द एक्सपीरियंसिस ऑफ द वर्ल्ड विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द यूथ। कहते हैं कि उन्हें जो सबसे ज्यादा चीज उनके पास है वो है उनका एक्सपीरियंस, जो अपने लंबे समय से जी करके अभी आए हुए हैं। सो पूरे वर्ल्ड का उनको एक्सपीरियंस है जो कि हेल्पफुल हो सकता है यूथ के लिए। बट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड द एज्ड आर नेग्लेक्टेड डिसरिस्पेक्टेड एंड लेस वैल्यूड बाय द न्यू। सो फर्दर अगेन वो बात कहते हैं लेकिन जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है उसमें जो मिडिल एज लेट एज एडल्टहुड वाले लोग हैं उनको किस टाइप से नेगलेक्ट किया जाता है, डिसरेस्पेक्ट किया जाता है और लेस वैल्यू दिया जाता है, बल्कि इसके बजाय जो यूथ है, जो यूथ जनरेशन है, उनको उनसे सीखना चाहिए। द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर विशेस फॉर सेल्वेशन। अब स्पीकर इन सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद वो सेल्वेशन का बात करते हैं, मुक्ति का बात करते हैं, खुद के जो ये किसी टाइप का बाउंड्री है अपने लाइफ उन सब से वो मुक्ति चाहते हैं। ही प्रेज टू द सेजेस एंड द गोल्ड म्यूजिक ऑफ एवाल हु आर स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर टू बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ हिज सोल। अब वो प्रे करते हैं जो भी सेजेस है, प्रिस्ट है उन सब से, और दे आर लाइक दे जो गोल्ड म्यूजिक है वॉल पे उन सब से, या जो भी सेजेस है जो कि गॉड की सेवा में है, तो उनसे वो कहते हैं कि वो मेरे सोल के लिए, मेरे सेल्वेशन के लिए प्रार्थना करें। एंड ही प्रेज टू देम टू कंज्यूम हिज बॉडी विच इज सिक विद डिजायर। साथ ही साथ वो कहते हैं कि उनके बॉडी को कंज्यूम करें, जो उनका बॉडी हमेशा डिमांड करता है डिजायर करने का। सो डिजायर से उनका मुक्ति चाहिए, जिस किसी पार्ट टाइप का वो डिजायर नहीं रखना चाहते, इन सबसे वो मुक्त होना चाहते हैं। द पोएट सेज दैट ही इज अनअवेयर ऑफ ऑल दिस बट ही रिक्वेस्ट देम टू इंक्लूड हिम इन देयर कंपेनियनशिप सो दैट इटर्निटी कुड बी अचीव। अब कहते हैं ये प्रोसेस क्या है, कैसे उनको सेल्वेशन मिलेगा, इन सबसे वो अनअवेयर है। बस वो उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो सेजेस है, जो प्रिस्ट है, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट उनको भी वहाँ जगह मिले, इटर्निटी उनको भी मिले, उन लोगों का साथ उनको भी मिल जाए। द फोर्थ एंड लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग एंड विशेस टू गिव अप हिज मॉर्टल बॉडी। फाइनली पोएट ये बात कहते हैं कि वो अपना मॉर्टल बॉडी जो कि ड्रेस की तरह है उसको वो त्याग करना चाहते हैं। एंड ही सेज दैट आफ्टर हिज डेथ ही विल नेवर टेक द बॉडी ऑफ एनी नेचुरल थिंग। कहते हैं कि एक बार वो इस बॉडी से निकल जाएंगे तो फर्दर वो किसी भी नेचुरल बॉडी में इंटर करना नहीं चाहते हैं।
मतलब कोई भी दूसरे फॉर्म में वो नहीं आना चाहते हैं. ही विशेस टू नेवर बॉर्न अगेन, और कभी जन्म लेना नहीं चाहते हैं. बट ही विशेस टू रिमेन इन द फॉर्म ऑफ ए मोजिक विच इज मेड बाय द ग्रेशन वर्ल्ड स्मिथ बाय हैमरिंग द गोल्ड. बल्कि वो बिल्कुल वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे कि जो ग्रीस के जो गोल्ड स्मिथ थे वो जिस टाइप से मोजिक बनाते थे गोल्ड को, हैमर गोल पे जो हैमरिंग करके जिस टाइप से मोजिक बनाते थे वैस उनके जैसा बनना चाहते हैं. लाइक एज ग्रेशन गोल्ड स्मिथ आर फेमस फॉर मेकिंग गोल्डन मोजिक विच सीम्स दे आर ऑलवेज वेकेंट. और बिल्कुल वो लोग जो मोजिक बनाते थे वो लगता था कि वो लिविंग है, बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो लोग अवेकन है जो भी मोजिक बनाते थे. सो सिमिलरली ही वांट्स दैट हिज आर्टिस्टिक क्रिएशन रीच टू द इटर्निटी. तो वो भी बिल्कुल वैसा ही चाहते हैं कि एज ए पोएट वो जो क्रिएशन किए वो जो वर्क लिखे उनका जो वर्क है बिल्कुल मुआवजे की तरह बन जाए. मतलब एक टाइप से वो इटर्निटी का विश करते हैं कि उनका वर्क उनका क्रिएशन इटर्निटी को प्राप्त हो जाए. सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग डब्ल्यू विथ्स पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम. होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.